वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन थियरी सीरीज का पांचवा वीडियो देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टली स्टैंडर्ड इंटीग्रल की मदद से जो सवाल बनने वाले हैं वो देखे, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी ना होगा कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर सवाल बनाने के लिए देगा। बहुत बार क्वेश्चन का रूप थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, तो डिफरेंट टाइप का जब फॉर्म रहे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन होने लायक न रहे, तब अलग अलग तरह के सिचुएशन में कब किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन की चर्चा मैं एक एक वीडियो में इसके बाद से करूंगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो में मैं एक एक टाइप के सवाल की चर्चा आप लोग से करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान लीजिए आप जरा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक, शॉर्टकट में ए, मतलब एक्स या एक्स से बने हुए व्यंजक, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, रूट एक्स, एक्स से बना हुआ कोई भी व्यंजक। अब अगर कभी आपसे एक्स का पावर इन मतलब एक्स का घात गुना ए रहे, सुन रहे हैं आप, क्वेश्चन ऐसा रहे कि x का पावर अगुना x का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, जैसे x का पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, x का पावर इन अगुना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गुना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे, जैसे कि x प्लस 1 एक्स माइनस 2, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री, ऐसे सभी जगहों पर तरीका होता है कि गुणा कर दें, दो व्यंजक है गुणा होकर के एक व्यंजक बन जाएगा और फिर उसमें सभी पदों का अलग अलग इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। सुना आप लोगों ने मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ की तकनीक है गुणा कर दें, जो दो व्यंजक है उसको गुणा करें, गुणा करने से वो एक व्यंजक बनेगा और डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं इस बात को समझाने के लिए तीन चार उदाहरण ले रहा हूँ, जिसमें से पहला उदाहरण है, देखिए जरा, वन माइनस एक्स गुना रूट एक्स, वन माइनस एक्स अपनी जगह पर है और रूट एक्स में रूट को हम लोग पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। अब मैंने तरीका क्या बताया, एक्स का व्यंजक गुना एक्स का पावर हो तो गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो वन गुना एक्स का पावर वन बाई टू माइनस एक्स गुना एक्स का पावर वन बाई टू, फिर तो एक्स का पावर वन बाई टू माइनस एक्स गुना एक्स, ध्यान दीजिए, एक्स का पावर वन गुना एक्स का पावर वन बाई टू, एक ही आधार वाली संख्या गुना हो तो वो एक संख्या बन जाती है और दोनों का पावर ऐड हो जाता है, तो एक्स का पावर थ्री बाई टू, तो ये एक्स का पावर थ्री बाई टू। अब ये दोनों एक्स का पावर एन के रूप में आ गया, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x का पावर n प्लस वन और बटा में n प्लस वन, तो x का पावर वन बाई टू के लिए x का पावर वन बाई टू प्लस वन बटा में वन बाई टू प्लस वन, x का पावर थ्री बाई टू प्लस वन बटा में थ्री बाई टू प्लस वन। ये सवाल आपका बन गया, थोड़ा सा कैमरा नीचे लाइएगा, फिर x का पावर थ्री बाई टू बटा में थ्री बाई टू, एक्स का पावर फाइव बाई टू, यहाँ बीच में माइनस है, बटा में फाइव बाई टू प्लस सी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नीचे वाला उलट के गुणा होगा, टू बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू, टू बाई फाइव एक्स का पावर फाइव बाई टू प्लस सी। चलिए, इसी थियोरी को समझने के लिए मैं दो तीन क्वेश्चन ले रहा हूँ, थियोरी पैटर्न, थियोरी नहीं पैटर्न। यहाँ पैटर्न मैंने क्या बताया कि एक्स का कोई पावर होगा और गुना एक्स का कोई व्यंजक होगा, या दो एक्स के व्यंजक होंगे सिंपल, या बहुपद होंगे तो सीधे गुणा कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे रूट एक्स गुना थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, है ना। एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर गुना वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और लास्ट में एक रूट एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस फाइव। यही चार क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर दो, रूट एक्स, एक्स का पावर वन बाई टू,
3x² + 2x + 3 गुणा होगा, कोष्टक टूटेगा तो बाहर वाला अंदर में सबके साथ गुणा होगा। 3x² × x^1/2, 2x × x^1/2, 3x^1/2, फिर x × x है तो एक x लिखाएगा और पावर ऐड हो जाएगा 2+1/2, 2x^1 है × x^1/2, 1+1/2, 3x^1/2, फिर तो 3x^5/2, 2x³/2 और 3x^1/2 इंटीग्रेट करेंगे। 3x^5/2 है, 3x^5/2 + 1/5/2 + 1, 3x³/2 है तो 3/2 + 1/3/2 + 1, 1/2 + 1/1/2 + 1, और इस प्रकार से क्या आया हमारा 3x^7/2 / 7/2 + 2x^5/2 / 5/2, 3x³/3/2 / 3/2 + c। नीचे वाला उल्टा होकर गुणा होगा तो 2×3 = 6/7 × x^7/2, उलट करके 4/5 × x^5/2 और 3×3 कैंसिल हो जाएगा, 2x³/3/2 + c। ये सवाल बन गया हमारा 2। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 3, x²(1 − 1/x²), यहाँ भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x² × x का व्यंजक है, गुणा करेंगे x²(1 − x²)/1/x², x² कैंसिल होगा तो x²-1, फिर तो x² का इंटीग्रल x³(3/3 − 1 का x) हो गया प्लस सी, ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। x² + 2x + 3 और है x² + 1, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो बीजगणितीय व्यंजक है, जब दोनों गुणा करेंगे तो पहले x² × x² (x⁴), फिर x² × 1, फिर 2x² × x² (2x³), फिर 2x² × 1, फिर 3x², फिर 3, x⁴ है अपनी जगह पे, फिर 2x³ सजा रहे हैं, x² यहाँ पर है और वहाँ पर 4x² और फिर 2x और प्लस 3, फिर तो x⁴ का इंटीग्रल x⁵/5 2x⁴/4 4x³/3 2x²/2 और 3x + c। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जहाँ कटने लायक होगा कटा लीजिएगा। और अंतिम क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांच है ना, चलिए √x + 3 और x × √x + तो गुणा कर रहे हैं, पहले √x से सब में गुणा होगा, या ऐसा कीजिए पावर का रूप दे देते हैं, x²/1/2 + 3 और x + x²/1/2 + 5, x²/1/2 सबके साथ गुणा होगा, पहले x²/1/2 × x, फिर x²/1/2 × x²/1/2, 5x²/1/2, फिर 3 से गुणा होगा, 3x³/1/2 और 3×5 = 15, फिर x² से तो पावर ऐड होगा, 1/2 + 1, 3/2, x² = ½, x² = ½, x² = ½, 5x²/1/2 + 3x, 3x²/1/2 + 15, अब ये इंटीग्रेशन लायक हो गया तो इंटीग्रेट कर लेंगे, 3/2 + 1,
फाइव बाई टू बटा में फाइव बाई टू, एक्स का पावर टू बाई टू, फाइव एक्स का पावर थ्री बाई टू बटा, थोड़ा डायरेक्ट मैंने कर दिया, थ्री एक्स का पावर टू बाई टू, थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल।